अपना अचानक भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई, जिसके बाद पुलिस अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया, पुलिस भीड़ को हटाना शुरू कर दिया। अंबिका चौधरी से कह दिया गया कि आप यहाँ से जाइए, आप यहाँ भीड़ नहीं लगा सकते हैं। पुलिस अब यहाँ से अंबिका चौधरी को हटा रही है और लगातार अनाउंसमेंट की हुआ। देखिए एसपी सिटी जिनसे मैं बातचीत कर रहा था ज्ञानेंद्र, वो अनाउंसमेंट खुद कर रहे हैं कि भीड़ मत लगाइए, यहाँ से हटाइए यहाँ से। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। देखिए भीड़ हटाने की बात यहाँ पर ज्ञानेंद्र खुद अनाउंसमेंट करके बोले कि यहाँ पर भीड़ किसी भी तरीके से नहीं लगना चाहिए, कब्रिस्तान के सामने आप लोग निकलिए यहाँ से। और जहां जहां भीड़ लग रही है, हमने आपको पहले भी बताया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जो है चप्पे चप्पे पर तैनात है। ये सभी जवान लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना चाहते हैं कि जल्द से जल्द शांति व्यवस्था यहां पर बनी रहे और मुख्तार अंसारी जो है वो सुपुर्दे खाक में वो हो जाए, सुपुर्दे खाक हो जाए। देखिए एक बार क्लोज शॉट दिखाइए एसपी गाजीपुर की, क्लोज शॉट दिखाइए एसपी गाजीपुर का, किस तरीके से अनाउंसमेंट, गेट खुल चुका है, कब्रिस्तान का गेट खुल चुका है। और देखिए किस तरीके से कुछ लोगों को परमिशन दिया गया था लेकिन बहुत लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। सपना गेट खुला, गेट जबरदस्ती बंद किया गया। अब पुलिस के जवान वो लोग जो जबरदस्ती कब्रिस्तान में घुसना चाहें उन्हें किस तरीके से यहां से निकाला जा रहा है। देखिए यहां पर तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें सपना न्यूज 18 इंडिया पे, पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, हर किसी को कह रही है कि यहां से जाइए। महज 15 से 20 मिनट का वक्त बचा है, जब देखिए एक शख्स जबरदस्ती घुसा था जिसको परमिशन नहीं था, उसे भी गेट खोल के बाहर कर दिया गया। तो इस तरीके की व्यवस्था है, आप अगर जबरदस्ती कब्रिस्तान में घुस जाएंगे, आपको परमिशन नहीं है, फिर आपको बाहर किया जाएगा। उन लोगों को बाहर किया जा रहा है जिनको परमिशन नहीं था। देखिए अंदर कब्रिस्तान के अंदर की तस्वीरें सपना, कब्रिस्तान के अंदर की तस्वीरें किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान देखता हुआ कि जिनको परमिशन है, हिदायत देता हुआ, वही सिर्फ अंदर रहेंगे, बाहर नहीं। और देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान की तस्वीर दिखाइए, कब्रिस्तान के अंदर के डेवलपमेंट को दिखाइए, एक-एक डेवलपमेंट को दिखाइए। उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान एक शख्स के पास गया कि तुम कैसे अंदर आ गए, मैं जो तस्वीरें देख पा रहा हूं, तस्वीरों को देखकर मैं कमेंट्री कर रहा हूं, तुम कैसे अंदर आ गए, और उसके बाद उसे बाहर निकलने का। देखिए कुछ लोगों को गेट की तरफ देखिए दो लोगों को पकड़ा गया, उसको बाहर का रास्ता ये दिखाया जा रहा है कि बाहर निकलिए, आपको परमिशन नहीं था, क्यों अंदर घुसे। देखिए बाहर निकाल दिया गया दो और लोगों, एक और शख्स को बाहर निकाला गया। जिनके पास परमिशन है सपना, केवल वही अंदर जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता है अंदर कब्रिस्तान के अंदर। टॉप एंगल शॉट सिर्फ न्यूज 18 इंडिया लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है और मुख्तार अंसारी से जुड़े एक एक अपडेट न्यूज 18 इंडिया पर लगातार हम दिखाते रहेंगे। देखिए कब्रिस्तान के बाहर की तस्वीरें, कब्रिस्तान के अंदर की तस्वीरें, हर एंगल से हम शॉट दिखाएंगे। जिस रास्ते से मुख्तार अंसारी यहां पर उनका बॉडी यहां पर पहुंचेगा वो तमाम तस्वीरें हम दिखाएंगे। कब्रिस्तान के अंदर पुलिस अलर्ट पे है, कब्रिस्तान के बाहर पुलिस अलर्ट पे है। जरा वो क्लोज तस्वीरें ज्ञानेंद्र फिर से कुछ अनाउंस कर रहे हैं, क्लोज तस्वीर, आगे मत जाइए छत पे, क्लोज तस्वीर ज्ञानेंद्र के पास जाइए। देखिए ज्ञानेंद्र अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वो तस्वीर दिखाइए अपने दर्शकों को। देखिए ज्ञानेंद्र जो कि एसपी सिटी है, खुद इन्होंने मोर्चा यहां पर संभाला है, एसपी सिटी गाजीपुर है, और यहां पर अनाउंसमेंट करते हुए ज्ञानेंद्र आगे की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि यहां भीड़ इकट्ठा हो गई है। खुद यहां पर मीडिया को भी हिदायत दी गई है गाजीपुर पुलिस की तरफ से कि आप जहां तहां लोगों को खड़ा करके बाइट मत लीजिए, यहां पर मीडिया पर्सन को कहा गया है। देखिए फिर ज्ञानेंद्र जो है फोन पे बातचीत करते हैं, जाहिर तौर पे जो भी यहां पर अपडेट होगा वायरलेस सेट पे या फोन के जरिए वो अपने बॉसेस को ये पूरी जानकारी देंगे। और यहां पर देखिए इस वक्त भीड़ इकट्ठा हो गई है, इस भीड़ को तितिर बितिर करने की कोशिश की जा रही है और पल पल की अपडेट। टॉप एंगल से एक छत से तस्वीर दिखा रहे हैं, आनंद नीचे वहीं पर मौजूद है, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। आनंद अभी अमित तस्वीरें दिखा रहे थे कि अंबिका चौधरी के साथ में कुछ और लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की लेकिन सभी को रोक दिया गया, सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम। अगर आप वहां नजदीक जाकर तस्वीरें दिखा पाए क्योंकि वो ऊपर से तस्वीरें दिखा रहे थे और समझा पाए। देखिए बिल्कुल मेरे कैमरामैन सुनील आपको तस्वीर देंगे। देखिए यहाँ पर पीएसए के जवान जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है यहाँ पर दलबल के साथ, और यहाँ पर कुछ भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है जिसे यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। सामने देख सकते हैं सपना आप, ये कब्रिस्तान का मेन गेट है, एंट्री गेट है, जहाँ पर की जिन लोगों को परमिशन दी गई है पहले से ही, जिनके नाम पुलिस के पास है, उन लोगों को यहाँ से अंदर आने की एंट्री दी जाएगी। और देखिए ये तस्वीरें दिखाता हूँ मैं, ये जो रोड है ये गाजीपुर के शहर के लिए जाने वाला रोड है, यहाँ से भी लोग जो पैदल है वो धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ पहुंच रहे हैं। और मेरे दूसरी तरफ देखिए सपना मैं आपको दिखा, कुछ अनाउंसमेंट हो रही है आपके पास आ रहे हैं आनंद आपके पास में। अमित फिर से कुछ विजुअल्स दिखा रहे हैं क्योंकि वो एक छत पर मौजूद है, उनके पास टॉप एंगल से अच्छे विजुअल्स आ रहे हैं। अमित दिखाइए सपना, पुलिस ने कड़ाई के साथ यहाँ से अब लोगों को हटाना शुरू कर दिया है कड़ाई के साथ। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र की तस्वीरें दिखाइए, ज्ञानेंद्र ने कड़े लफ्जों में बताया कि हटिए आप लोग यहाँ से, हटिए यहाँ से आप लोग,
यहाँ पर आप नहीं हो रह सकते, किसी को अलाउ नहीं है। अब देखिए कड़ाई से और कड़ाई से प्यार से मोहब्बत से लोगों को यहाँ से हटाते हुए ज्ञानेंद्र लगातार माइक अपने हाथ में लिए हुए हैं, वो अनाउंसमेंट करते हुए। लेकिन ये वो जनता और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा दें, क्योंकि कुछ ही लोगों को परमिशन मिली है, सभी कब्रिस्तान के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन इन सबके बीच में अंबिका चौधरी जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, उनको जब वो अंदर जाने लगे तो उनके साथ में कुछ और सहयोगी, देखिए जो उनके गए अंदर उनको सबको बाहर निकाल दिया गया। कब्रिस्तान के अंदर की तस्वीरें अमित आपको अभी दिखा रहे थे, ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद है और ये तस्वीरें उनकी ओर से दिखाई गई, उनके कैमरे की ओर से दिखाई गई है किस तरीके से अंबिका चौधरी जो कि पूर्व मंत्री भी रहे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं वो इस जनाजे में शिरकत करने के लिए आते हैं, तो उनके साथ में कुछ और लोग भी अंदर घुसते हैं। और क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था न बिगड़े आखिर तक भी प्रशासन पूरी पूरी कोशिशें कर रहा है और ये हिदायत खुद सीएमओ की ओर से दी गई है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई है कि हर एक अधिकारी ये सुनिश्चित करे कि कहीं भी व्यवस्था न बिगड़े। और इसीलिए आप देखिए कि कैसे गेट पर पुलिस वाले तैनात हैं और वो सभी को आधार कार्ड चेक करते हुए ही अंदर जाने दे रहे हैं। अगर आपका नाम उस सूची में नहीं है, आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। कुछ ही लोग अंदर जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी लगातार बने हुए हैं, अमित का फिर से रुक कर लेते हैं। अमित जल्दी से तस्वीरें दिखा दीजिए, फिर मैं आनंद का रुक करती हूँ। आप ही की तस्वीर हम दिखा रहे थे अभी, जल्दी से फिर आनंद का रुक करना है। सपना अब जो पुलिस कब्रिस्तान के पास खड़ी थी उसने हेलमेट पहन लिया, भीड़ को देखते हुए हेलमेट पहन लिया। तस्वीरें दिखाइए, सबसे पहले हेलमेट की तस्वीरें दिखाइए, पुलिस के जवानों की हेलमेट की तस्वीरें दिखाइए, हेलमेट पहनकर पूरी तरीके से अलर्ट हो गए हैं। और देखिए दूसरी तरफ ज्ञानेंद्र भीड़ को समझाते हुए, वो तस्वीर दिखाइए, भीड़ को समझाते हुए कि आप लोग चले जाइए, सुपुर्द घाक होने के बाद यहाँ पर आइएगा और जो आपको प्रोसेस करना होगा उस प्रोसेस को करिएगा। और वो नीचे ही मौजूद है, ज्ञानेंद्र के आसपास ही मौजूद हैं और वो वहां से तस्वीरें ज्यादा बेहतर दिखा पाएंगे। आनंद जरा तस्वीरें दिखाइए, अमित हमें लगातार ऊपर से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अब पुलिस ज्यादा सक्रिय हो गई है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब पास में जनाजा पहुंचने वाला होगा, कभी भी दफन किया जा सकता है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जो एक एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी में लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं लाउड स्पीकर के साथ कि यहाँ पर भीड़ न लगाएं। और देखिए ये तस्वीरें, पुलिस के जवान जो हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर दल बल के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है कि कानून व्यवस्था को अगर कोई हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और लगातार पहले ही पुलिस ने कह दिया था कि ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना करें, और उनके मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से भी अपील की गई थी, उनके भतीजे की तरफ से कि ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना करें। पहले ही जो उनका घर है वहां पर अच्छी रात भर से ही लोग जो है वो इकट्ठा हो रहे थे। और देखिए लेकिन अभी लोगों का जो हुजूम है, लोगों का जो आना है वो लगातार जारी है उनके घर के लिए, नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और गेट पर देख सकते हैं पूरी मुस्तैदी से जो पुलिस के अधिकारी हैं गाजीपुर पुलिस के वो यहाँ पर तैनात हैं। हालांकि कुछ लोग अभी जबरदस्ती अंदर घुस गए थे, लेकिन उसके बाद अब केवल अंदर जो केयर टेकर है वो लोग मौजूद हैं। और देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है वो भी एडिशनल एसपी हैं अपने महातहत जो पुलिस अधिकारी उन्हें यहाँ पर दे रहे हैं कि जिस वक्त जनाजा यहाँ पर मुख्तार अंसारी का है उस वक्त कानून व्यवस्था खराब ना हो, और यहाँ पर जो है सुपुर्द खाक की जो आखिरी कार्रवाई होती है वो यहाँ पर सपना पूरी तरह से एक तरीके से शांतिप्रिय तरीके से पूरी हो पाए। का फिर से रुक कर लेते हैं, आप नीचे बने हुए हैं और वहां की तस्वीरें ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, अमित का फिर से रुक करते हैं। अमित कुछ और तस्वीरें आप दिखाइए और थोड़ा पैन और करिए, हाँ दिखाइए आप ही का रुक कर रहे हैं, दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल सपना, अब तस्वीरें यहाँ बदल गई है, पुलिस के हाथ में डंडा है, पुलिस के हाथ में वो प्रोटेक्शन है, शील्ड है, यानी किसी कोई पथराव वगैरह करता है तो पुलिस अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। किस तरीके से यहाँ पर पुलिस के जवान जो है ये क्लोज शॉट युगल, ये क्लोज शॉट दिखाइए हाथों में डंडा, पुलिस ने प्रोटेक्शन ले लिया है क्योंकि भीड़ जिस तरीके से आगे बढ़ रही थी, भीड़ को कंट्रोल करने के रस्सी लगाया जा रहा है, रस्सी की तस्वीरें दिखाइए, रस्सी यहाँ पर लगाया जा रहा है क्योंकि महज कुछ ही समय बचा है, अब कुछ ही समय। ये डेवलपमेंट की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, कब्रिस्तान के बाहर की जो डेवलपमेंट है उनकी तस्वीरें दिखा रहा हूं। और यहां पर देखिए अब यहां पर खुद जो सीओ रैंक के अधिकारी हैं उन्होंने अपने हाथों में रस्सी ले लिया है, रस्सी से यहां पर घेराबंदी की जाएगी, रस्सी से घेराबंदी की जाएगी। तो इस तरीके से जो भी अपडेट मुख्तार अंसारी के गांव पैतृक गांव से होगी वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। और यहां पर तस्वीरें हम लगातार दिखा भी रहे अपने दर्शकों को, नीचे से और ऊपर से टॉप एंगल के शॉट भी हम लगातार देखिए, यहां पर रस्सी लगाई जा रही है एससी। और देखिए अब जो टोन है एसपी, तस्वीरें सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर, देखिए भीड़ हटाने की बात यहां पर ज्ञानेंद्र खुद अनाउंसमेंट करके बोले कि यहां पर भीड़ किसी भी तरीके से नहीं लगना चाहिए कब्रिस्तान के सामने, आप लोग निकलिए यहां से। और जहां जहां भीड़ लग रही है, हमने आपको पहले भी बताया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जो है चप्पे चप्पे पर तैनात है, ये सभी जवान लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना चाहते हैं कि जल्द से जल्द शांति व्यवस्था यहां पर बनी रहे और मुख्तार अंसारी जो है वो सुपुर्द खाक में वो हो जाए, सुपुर्द खाक हो जाए। देखिए एक बार क्लोज शॉट दिखाइए एसपी गाजीपुर के,
क्लोज शॉट दिखाइए एसपी गाजीपुर का किस तरीके से अनाउंसमेंट। गेट खुल चुका है, कब्रिस्तान का गेट खुल चुका है और देखिए किस तरीके से कुछ लोगों को परमिशन दिया गया था लेकिन बहुत लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। सपना गेट खुला, गेट जबरदस्ती बंद किया गया। अब पुलिस के जवान वो लोग जो जबरदस्ती कब्रिस्तान में घुसना चाहे उन्हें किस तरीके से यहां से निकाला जा रहा है। देखिए यहां पर तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सपना न्यूज 18 इंडिया पे। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, हर किसी को कह रही है कि यहां से जाइए। महज 15 से 20 मिनट का वक्त बचा है, महज 15 से 20 मिनट का वक्त बचा है। जब देखिए एक शख्स जबरदस्ती घुसा था जिसको परमिशन नहीं था, उसे भी गेट खोल के बाहर कर दिया गया। तो इस तरीके की व्यवस्था है, आप अगर जबरदस्ती कब्रिस्तान में घुस जाएंगे, आपको परमिशन नहीं है, फिर आपको बाहर किया जाएगा। उन लोगों को बाहर किया जा रहा है जिनको परमिशन नहीं था। देखिए अंदर कब्रिस्तान के अंदर की तस्वीरें सपना, कब्रिस्तान के अंदर की तस्वीरें किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान देखता हुआ कि जिनको परमिशन है, हिदायत देता हुआ, वही सिर्फ अंदर रहेंगे, बाहर नहीं। और देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान की तस्वीर दिखाइए, कब्रिस्तान के अंदर के डेवलपमेंट को दिखाइए, एक-एक डेवलपमेंट को दिखाइए। उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान एक शख्स के पास गया कि तुम कैसे अंदर आ गए, मैं जो तस्वीरें देख पा रहा हूं, तस्वीरों को देखकर मैं कमेंट्री कर रहा हूं, तुम कैसे अंदर आ गए, और उसके बाद उसे बाहर निकलने के लिए। देखिए कुछ लोगों को गेट की तरफ देखिए दो लोगों को पकड़ा गया, उसको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है कि बाहर निकलिए, आपको परमिशन नहीं था, क्यों अंदर घुसे। हमारे सहयोगी अमित लगातार बने हुए हैं, अमित अभी हम आप ही की रिपोर्ट दिखा रहे थे, लगातार तस्वीरें भी दिखाते रहिए, जानकारी भी दीजिए और ये बताइए कि क्या जनाजा कितनी देर में यहाँ तक पहुंच जाएगा। देखिए बिल्कुल सपना, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, अब मैं आपको रस्सी की तस्वीरें दिखा रहा था, रस्सी से बैरिकेटिंग कर दी गई है। जो भीड़ थी, जो भीड़ यहां से हटने का नाम नहीं ले रही थी, उन्हें रस्सी से बांधकर उनको उस रस्सी के अंदर घेरे में रख दिया गया है। पुलिस की यहां तस्वीर बदल गई, पुलिस के हाथों में शील्ड है, हाथों में डंडा है और हथियार तो है ही है। तो यहां पर देखिए तस्वीरें लगातार पल पल यहां पर अपडेट हो रहे हैं, तस्वीरें बदल रही है, पुलिस और सख्ती से यहां पर पेश आ रही है। और लगातार एक तस्वीर और यहां पर दिखाइए किस तरीके से लगातार जो है मऊ की तरफ से गाजीपुर की तरफ से जो आने वाली सड़क है, उस सड़क से लगातार भीड़ यहां पर पहुंच रही है, भीड़ आ रही है। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र लगातार माइक को अपने हाथों में लिए हुए हैं, माइक से लगातार वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार यहां पर बदल रही है क्योंकि 10 बजे का वक्त था जनाजा निकलने का, सुपुर्द खाक का वक्त था कि जनाजा मुख्तार अंसारी के घर से 10 बजे का निकल जाएगा। देखिए अब देखिए सपना ये प्रोसेस देखिए एक शख्स जिसको परमिशन है अंदर कब्रिस्तान में जाने का, वो कितनी आसानी से वो अंदर चला जाता है, लेकिन जिसको परमिशन नहीं है उसे तुरंत निकाल दिया। ये एक शख्स जिसको आप देख पा रहे हैं पगड़ी उसके सर पे है, उसको परमिशन थी, उसने एसपी सिटी को बोला, एससीओ को बोला, वो आसानी से अंदर कब्रिस्तान के अंदर घुस गया। तो इस तरीके से लिस्ट है, मुझे लगता है कि लिस्ट है कि किन्हें अंदर जाना है, किन्हें अंदर नहीं जाना है और जिन्हें अंदर नहीं जाना होता है। आनंद उसका जिक्र भी कर रहे थे कि लिस्ट है और उस लिस्ट को देखते हुए फिर आधार कार्ड चेक किए जा रहे थे, उसके बाद मैं अलॉट रही हूं आपके पास में, आप दिखाइएगा तस्वीरें आनंद, क्योंकि नीचे मौजूद है वो और ज्यादा बेहतर नीचे से तस्वीरें बता पाएंगे, दिखा पाएंगे। आनंद जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि हम अमित के कैमरे से जो तस्वीरें देख पा रहे हैं उससे सख्ती साफ नजर आ रही है। कितनी सख्ती है, अगर आपका नाम है सूची में तो ही आप अंदर जाएंगे, नहीं तो आप अंदर नहीं जाएंगे। क्या तस्वीरें आप दिखा रहे हैं? देखिए बिल्कुल सपना, सुनील यादव मेरे कैमरा से दिखाएंगे, यहाँ पर देखिए अभी हम यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे थे, यहाँ पर अब रस्सी लगा दी गई है, एक तरीके से बैरिकेटिंग कर दी गई है कि जो लोग हैं वो कब्रिस्तान के मेन गेट तक ना पहुँच पाए। और हालांकि यहाँ पर कुछ दर्जन लोग जरूर यहाँ पर पहुँच गए हैं, लेकिन अभी आप आगे की तस्वीरें देखें मेरे कैमरा से आपको दिखाएंगे, मुख्तार अंसारी के घर की तरफ का जो रोड है वो रोड अभी आपको खाली नजर आ रहा है, क्योंकि वहाँ भी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई है और वहाँ से लोगों को आगे इधर नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि पुलिस की कोशिश ये है कि जनाजे में कुछ लोग ही शामिल हो, उनके परिवार के करीबी रिश्तेदार या जिन लोगों के नाम पुलिस को दिए हुए वो लोग ही जनाजे में शामिल हों। और उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो मेन गेट है, जैसा कि अमित भी टॉप एंगल से दिखा रहे हैं, हम नीचे से आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर तमाम अधिकारी जो हैं यहाँ पर पूरी फोर्स के साथ इस गेट पर खड़े हुए हैं, केवल कुछ ही लोगों को यहाँ पर। क्या उधर की तरफ जाके हमें दिखा सकते हैं कि अगर क्या उनके पास कोई लिस्ट है या उनसे बात कर सकते हैं ज्ञानेंद्र किसी से कि क्या वाकई कोई लिस्ट है, उससे वो लोग पहचान कर रहे हैं और फिर आने दे रहे हैं, अगर दिखा पाए तो संभव हो तो। जी देखिए बिल्कुल यहाँ पर तमाम अधिकारी जो हैं यहाँ पर केवल आई कार्ड चेक करके ही अंदर लोगों को जाने दे रहे हैं, जिनके नाम पहले से पुलिस के पास थे, और यहाँ पर अधिकारी की कोशिश है, अधिकारियों की लाउड स्पीकर के जरिए, कि लोग यहाँ पर भीड़ ना लगाएं, कानून व्यवस्था खराब ना करें। ये देखिए ये हम तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल कब्रिस्तान के अंदर की तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा आपको आगे आगे दिखाएंगे। यहीं पर सुपुर्द खाक जो है वो मुख्तार अंसारी को किया जाएगा। ये देखिए ये कब्र जो है जो कल
खोदी गई है, करीबन 7.5 फीट की कब्र जो है। यहाँ पर कुछ लोग जो केयर टेकर हैं वो सपना यहाँ पर मौजूद हैं, और देखिए कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग भी हैं जो यहाँ पर पहुँच गए हैं। मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर कुछ लोग अंदर जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो अंतिम काम जो कार्रवाई है, जो रस्म कुछ होना है सुपुर्द खाक की, उसमें शामिल होने के लिए। हालांकि अभी यहाँ का दरवाजा पूरी तरह से बंद है। मैं लौट रही हूँ आपके पास में, एक बार दर्शकों को तीन तस्वीरें हम आनंद दिखा देते हैं, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। आपकी तस्वीरें आपके कैमरे के जरिए जो आ रही हैं वो देखेंगे। ये तीन तस्वीरें आप देख लीजिए, किस तरीके से आज सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा, उससे पहले किस तरीके से मुख्तार के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ रही है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि रॉबिनहुड की छवि उसने अपने इलाके में बनाई थी, और किस तरीके से वो गरीबों की मदद की आड़ में अपने काले कारनामों को अंजाम दिया करता था। दूसरी तस्वीर हमारे सहयोगी अमित ने अपने कैमरे से दिखाई, कब्रिस्तान के बाहर भारी भीड़ है। अंबिका चौधरी पूर्व सरकार में मंत्री भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता है, वो जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं उसी दौरान उनके साथ में कुछ और भी लोग होते हैं जो दाखिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोक दिया जाता है। अगर आपके पास वो नाम है पुलिस के पास आपका, तो ही आप अंदर जाएंगे, नहीं अंदर नहीं जाएंगे। तीसरी तस्वीर, कब्र तैयार हो गई है। आज से पहले मुख्तार अंसारी ने न जाने कितने काले कारनामों को अंजाम दिया, कितनी हत्याएं की, कितनी लूटपाट की वारदातें सामने आई, उसने दूसरों की कब्र खोदी, लेकिन आज उसकी कब्र बनकर तैयार हो गई है। हार्ट अटैक से उसकी जान चली गई। अमित का फिर से रुक कर लेते हैं। अमित तस्वीरें दिखाइए, लाइव तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं अपने। ये देखिए जनाजे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्तार अंसारी के जनाजे में वहां के लोग भारी संख्या में जो है शिरकत होने के लिए पहुंच रहे हैं, और कोशिश है सबकी, क्योंकि ये एक आखिरी प्रक्रिया होती है वो किसी भी धर्म में हो, कि अगर कोई उसकी आखिरी यात्रा निकल रही है तो उसके अंतिम दर्शन कर लिए जाएं। जैसा हमने पहले भी कहा कि मुख्तार अंसारी दुनिया के लिए बाहुबली होगा, दुनिया के लिए वो बड़ा डॉन होगा, लेकिन इस पूरे इलाके में गाजीपुर का मोहम्मदाबाद गांव, ये जहां से वो आता है, जहां से उसका परिवार आता है, वहां के लिए वो किसी रॉबिनहुड से कम नहीं था। वहां के लोगों से जब भी आप बात करेंगे तो उनके लिए वो किसी शहंशाह से कम नहीं था, क्योंकि उनकी मदद कर दिया करता था। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, भारी भीड़ है लोगों की। उमर अंसारी, उनके बेटे मौजूद हैं, और साथ ही साथ उनके भाई माफ कीजिएगा उनके भाई मौजूद हैं, और भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और इसी भीड़ को संभालने के लिए यहाँ पर पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में तैनात की गई। ये तस्वीर आप देखिए, और इस तस्वीर से अंदाजा लगाइए कि आप एक बात और इसे समझ सकते हैं कि कुछ जो विपक्षी सवाल खड़े कर रहे हैं वो जी हाँ बिल्कुल सपना, मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सपना मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अब मैं जो आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ, जो सड़क है, जो पैतृक गांव के तरफ से कब्रिस्तान की तरफ आने वाली सड़क है, उस सड़क पे भीड़ इकट्ठा हो गई है। युगल ज्यादा आगे मत जाइएगा, अब अपने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जरा सड़क की, उस सड़क की तस्वीर दिखाइए जिस सड़क से अभी जनाजा आने वाला है। इस सड़क पे हर कोने पे, चप्पे चप्पे पे यहाँ पर आम लोग यहाँ पर खड़े हो गए हैं। हर कोई मुख्तार अंसारी को एक बार देखना चाहता है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से सपना आप लगातार जिक्र कर रही थी, रॉबिनहुड की छवि है, जिस तरीके से हम यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे थे, कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी मोहम्मदाबाद इलाके में रॉबिनहुड की छवि बनाकर रखा था। लेकिन अगर हम मोहम्मदाबाद को छोड़ दें तो बाकी पूर्वांचल के इलाकों में के लोगों से बातचीत करें तो 90 के दशक 2000 के दशक की वो तस्वीरें लोगों को याद आती है, जब काफिला निकलता था मुख्तार अंसारी का और उनके गुर्गे जो है उस काफिले में लगातार देखिए जनाजा आ चुका है। सपना जनाजा आ चुका है, पीछे की तरफ रहिए, और जनाजा आ चुका है। मैं जनाजे की तस्वीरें देख रहा हूँ, पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है यहाँ पर। जनाजा आ चुका है सपना, जनाजा आ चुका है, और कब्रिस्तान में जनाजा एंटर करने वाली है। और जनाजा नहीं, यहाँ पर भीड़ है, जनाजा नहीं है, ये बहुत भीड़ है। अफजल अंसारी है, अफजल अंसारी की तस्वीरें दिखाइए युगल। अफजल अंसारी सबसे आगे लोगों से अपील करते हुए मौजूदा सांसद गाजीपुर के और मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी लोगों से अपील करते हुए कब्रिस्तान के गेट पे कि जनाजा आ रहा है, आप लोग धैर्य बनाइए, कोई अंदर मत आइए, अपील किया लोगों से, अपील कर रहे हैं, हाथ उठा के अपील कर रहे हैं। क्लोज शॉट चाहिए युगल, क्लोज शॉट दिखाते रहिए दर्शकों को, और देखिए यहाँ पर किस तरीके से हाथ उठा के लोगों को बोले कि आप लोग पीछे जाइए, कोई जोर जबरदस्ती पुलिस से नहीं करेगा। अफजल अंसारी अंदर जा चुके हैं कब्रिस्तान में, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अफजल अंसारी की दिखा रहे हैं। अफजल अंसारी जहां पर कब्र खोदा गया है उस जगह को देखने के लिए जा रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं अफजल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी कब्र के पास खड़े हो गए हैं। पेड़ है यहाँ पर, शायद वो तस्वीरें हम आपको ना दिखा पाए पूरी, लेकिन पूरी कोशिश है। पेड़ है, अफजल अंसारी कब्र को देखते हुए
यहाँ पर देखिए तस्वीरें, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, लोगों को पीछे की तरफ ढकेला, हल्का बल प्रयोग कर रही है पुलिस, कह रही है कि नहीं जाने देंगे। एक शख्स देखिए जाने की कोशिश कर रहा है। क्लोज शॉट दर्शकों को दिखाइए, जोर जबरदस्ती करेगा, इसी तरीके से पुलिस उसके साथ सख्ती से पेश आएगी। एक शख्स जो मुख्तार अंसारी के परिवार के ही है, वह पीछे की तरफ छूट गए थे, उन्हें अंदर जाने दिया गया और यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो रही है। लेकिन पुलिस ने कहा नारेबाजी नहीं, एसपी सिटी ने ज्ञानेंद्र ने कहा नारेबाजी नहीं, यहाँ नारेबाजी नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से सख्ती से पेश हुआ। अंदर अफजल की तस्वीरें दिखाइए, अफजल लोगों को बुलाते हुए, जिन लोगों को अफजल ने उन लोगों को बुलाया जिन्हें परमिशन अंदर कब्रिस्तान में जाने की दी गई थी, उन लोगों को बुलाया अफजल, उन सभी लोगों को लेकर कब्रिस्तान के दूसरे तरफ के जा रहे हैं। शायद वो तस्वीरें हम ना दिखा पाए सामने, क्योंकि जिस तरफ बुलाए हैं उस तरफ काफी पेड़ है, वो तस्वीरें हम ना दिखा पाए सपना, लेकिन तस्वीरें हम आपको पल पल की, एक एक तस्वीर पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अफजल अंसारी जो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, अफजल अंसारी उन तमाम लोगों से बातचीत करते हुए जो अंदर कब्रिस्तान में इस वक्त मौजूद है, जिन्हें परमिशन दिया गया था, जो उस लिस्ट में शुमार है, उस लिस्ट